राग देश की झलक लग रही है इसमें मुझे। सोहनी जो है वो पिघलते हुए घड़े के साथ डूब रही है। हाय एवरीवन, आई एम अनन्या और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग पे। ये सॉन्ग इसलिए स्पेशल है बिकॉज इसमें एक इंडियन सिंगर फीचर हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रही हूँ पार चना दे, जिसमें कि शिल्पा राव फीचर होती हैं। पहले मुझे ये लगता था कि सिर्फ ये एक ऐसी इकलौती इंडियन सिंगर हैं जो कोक स्टूडियो में फीचर हुई हैं, बट आई थिंक 2 दिन पहले मुझे किसी ने कॉमेंट किया कि आप किनारे इस सॉन्ग पे रिएक्ट करिए, जिसमें कि शर्मिष्ठा चटर्जी फीचर हुई हैं मिकाल हसन बैंड के साथ सीजन 8 में। शी वॉज एक्चुअली द फर्स्ट इंडियन सिंगर एवर टू फीचर इन कोक स्टूडियो। शी सैंग दिस कॉम्पोजिशन इन राग यमन कॉल्ड किनारे। और बहुत ही ज़्यादा मेलो, एक सोलफुल वाइब वाला गाना इन्होंने गाया है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन एंड वेरी गुड प्रेजेंटेशन। मूविंग ऑन टू द सॉन्ग विच आई एम रिएक्टिंग ऑन, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। पार चना दे दिसे कुल्लियार दी घड़ियार आवे घड़ियार। सो बिफोर प्रोसीडिंग, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, बट स्टिल दिस सॉन्ग इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ सोहनी एंड महिवाल। सोहनी एंड महिवाल एक कपल थे। सोहनी जो थी उनकी शादी हो चुकी थी एंड हर हस्बैंड वॉज वर्किंग समवेयर एल्स एंड शी यूज्ड टू लिव विद हर सास एंड ननद। उनका अफेयर था महिवाल से, हु एक्चुअली लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो सोहनी का घर था इस तरफ और महिवाल का घर था उस तरफ, और बीच में एक रिवर आती थी जिसका नाम था चनाब। तो सोहनी के जो ससुराल वाले थे वो क्ले पॉट्स बनाते थे, मटके बनाते थे। तो एवरी नाइट सोहनी यूज्ड टू स्विम थ्रू दैट रिवर विद द हेल्प ऑफ दोज क्ले पॉट्स, जिनको कि हम हिंदी में घड़ा बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी सास और ननद को समझ में आ गया कि ये तो रात को अपने लवर से मिलने जाती है। तो उन्होंने जो पक्का घड़ा होता है, पक्के घड़े को लेके वो रोज आती थी, उन्होंने उस पक्के घड़े को कच्चे घड़े से रिप्लेस कर दिया। सो वाइल सोहनी वाज इन द मिडल ऑफ हर जर्नी, उनको ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो घड़ा पिघल रहा है। देन शी स्टार्ट्स सिंगिंग। उनको ये लगने लगा कि अब वो नहीं मिल पाएंगी। सो शी इज बेसिकली सिंगिंग दिस टू हर घड़ा कि इस चिनाब नदी के मुझे पार जाना है, तो घड़िया प्लीज मुझे द प्लेस वेयर ही लिव्स वहाँ तक पहुँचा दो। That is the whole मोटा crux of this story. इसमें घड़ा बज रहा है। इस नूरी चना दे दिसे खुली आरती घड़िया घड़िया आवे। जब घड़िया बोल रहे हैं तो घड़े के आगे जा रहे हैं। जा जो मैंने बताया कि सोनी इज रिक्वेस्टिंग द घड़ा कि मुझे पार करवा दो, घड़ा इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू हर कि मैं कच्ची मिट्टी का बनाऊं और मैं किसी काम का नहीं हूं, तो इतनी उम्मीद मत रखो कि मैं तुमको पार करा सकता हूं, बिकॉज नदी में बहुत लहरें आ रही हैं और मैं किसी भी वक्त पिघल सकता हूं। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस गाने में। There's a very old lady sitting here. What's the name of this instrument? एक मिनट, I have to check कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। मैं ये गाना बहुत बार सुन चुकी हूँ बट ये चीज़ मैंने कभी नोटिस नहीं की। ओह, यहाँ पे दिया ही नहीं है यार। इस मामले में कोक स्टूडियो बांग्ला मुझे बेस्ट लगता है बिकॉज वहाँ पे एवरी सिंगल पर्सन प्रेजेंट ऑन द सेट, उस हर बंदे का नाम लिखा होता है। अब मैं सर्च करूँगी। मैडम नूर जहरा कज़ीम इज़ अ पाकिस्तानी म्यूजिशियन एंड सागर वीना प्लेयर। वाओ, शी इज़ द डॉटर ऑफ लॉयर एंड एक्टिविस्ट रज़ा कज़ीम हु इन्वेंटेड सागर वीना। इन्वेंटेड अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू विचित्रवीणा एंड चित्रवीणा। ये दोनों नाम भी मैं पहली बार सुन रही हूँ। ओके, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो सागर वीना जैसा नाम है वैसी ही उसकी आवाज़ भी है। इट साउंड्स लाइक समथिंग इज़ फ्लोइंग एंड एकदम उसके साथ आप भी फ्लो कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो नूर जहरा जी का पार्ट हम एक बार फिर से सुनेंगे अच्छे से। सागर वीणा। बहुत अच्छे से ट्यून्ड है ये। राग देश की झलक लग रही है इसमें मुझे। डिड यू नोटिस जब वो अपना सेगमेंट प्ले कर रही थी सागर वीणा का, तब सब शांत हो गए थे। एक बेसिक, एक हल्का सा पैड्स का एक बेस मिल रहा था, उसके अलावा एवरीबडी वाज जस्ट प्रोवाइडिंग हर सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट टू एक्सप्लोर। अमेजिंग। अब शुरू हुआ है। आवाज है। To the sound guide who will take you safely to the shore. What is sound guide? तेनू पार लगावे जेड़ा तेनू पार लगावे खड़िया खड़िया। अब म्यूज़िक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जब ऐसे फील हो रहा है कि घड़ा जो है पिघल रहा है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सोहनी भी डूबने वाली है, घड़ा भी डूबने वाला है। एंड महिवाल एज द स्टोरी गोज़, उनको भी समझ में आ जाता है कि सोहनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ही कुड सी फ्रॉम फार कि ऐसा सब हो रहा है। एंड ही ऑल्सो यू नो रिवर में वो कूद जाते हैं। दैट्स हाउ दे मीट। जो वो लाइन बोलती हैं कि आज महिवाल नू जाना मिलवे, दे मीट आफ्टर डेथ, बोथ ऑफ देम डाई। ये जो पर्टिकुलर म्यूजिकल सेगमेंट है जिसमें कि घड़िया, इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उस एंड वाली फीलिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ऐसे इमेजिन करो कि आपके सामने वो सीन चल रहा है कि सोहनी जो है वो पिघलते हुए घड़े के साथ डूब रही है, महिवाल भी नदी में कूद चुके हैं, अब तीनों लोग एक साथ खत्म हो रहे हैं, सोहनी महिवाल आर फाइनली यूनाइटिंग आफ्टर डेथ। उस सीन में अगर म्यूजिक ऐड किया जाता तो वो म्यूजिक कैसा होता, या फिर उस सीन को ये म्यूजिकली एक्सप्लेन करें तो वो म्यूजिक कैसा होगा, वो म्यूजिक ये म्यूजिक होगा। जस्ट इमेजिन कि घड़ा पिघल रहा है अभी। I will cry. everybody is together in this. जब मेल सिंगर अपना पार्ट गा रहे होते हैं so, ये जो लास्ट का सेगमेंट है, कुछ 20-30 सेकंड का सेगमेंट है लास्ट में, इट डजंट साउंड लाइक सॉन्ग एनी मोर. इट साउंड्स लाइक साउंड ऑफ एंडिंग, साउंड ऑफ डेथ, अ साउंड ऑफ यूनाइटिंग, ऑल्सो साउंड ऑफ क्राई फॉर हेल्प. मतलब जो शिल्पा राव गा रही हैं, इट इज साउंडिंग लाइक सिंगिंग, बट जो मेल सिंगर गा रहे थे, इट वॉज मेंट टू साउंड लाइक क्राई फॉर हेल्प. अब सबको पता है कि घड़ा डूबने वाला है, एंड देन हाउ यू विल क्राई एंड हाउ यू विल रिक्वेस्ट कि पार लगा दे. काफ़ी इमोशनली एक रोलर कोस्टर राइड वाला सॉन्ग था ये. आई थिंक मैंने ये गाना इतना ध्यान से कभी सुना नहीं जितना आज सुना. मतलब यूजुअली एयरपोर्ट्स पे सुनते हैं तो मीनिंग तो आता नहीं है उसमें, बट आज जब वीडियो में देख रही हूँ और प्रॉपर मीनिंग फॉलो कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग है, एंड आप उन्हीं भावनाओं में आप बहने लग जाते हो, पन इंटेंडेड. आई डोंट नो वॉट टू से. द म्यूजिक अरेंजमेंट, द सिंगर्स, सिर्फ एक या दो सिंगर्स नहीं थे जो कोरस में भी गाते हैं ना, जो बैकिंग वोकल्स में गाते हैं. रेचल, विक्की जी, शाहब हुसैन, निम्रा रफ़ीक, इनकी भी बहुत तारीफ़ की जानी चाहिए, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना गाने में एक कंप्लीटनेस नहीं आएगी, गाना फिल नहीं हो पाएगा सपोर्टिंग वोकल्स के बिना. तो आई रियली वॉन्ट टू लाइक, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट इन एनी ऑफ माई वीडियोज़, बट आई एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड अच्छे से कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है बैकिंग वोकलिस्ट की. एंड डेफिनेटली द वोकलिस्ट शिल्पा राव, नूरी, उनको देख के तो बिल्कुल मन खुश हो गया. काफ़ी अच्छा लगा इस गाने को सुन के. लेट मी नो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा. एंड या, दैट्स इट, दैट्स माय रिएक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. रोशनी से भरे 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 भरे